गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के राजवंश में कछवा राजवंश को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम कछवा राजवंश की, तो कछवा जो है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछवा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। जबकि बात करें हम सूर्यमल मिश्रण की, तो सूर्यमल मिश्रण ने कछवा राजवंश की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई है? कुरम नामक रघुवंशी से बताई है। सूर्यमल मिश्रण ये कहते हैं कि कछवा राजवंश की उत्पत्ति, जो कछवा राजवंश है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? कुरम नामक रघुवंशी से हुई है। यानी कि जो सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने कछवा राजवंश को कुरम नामक रघुवंशी की संतान माना है। जबकि बात करें साथियों किसकी? गौरी शंकर ओझा की। तो गौरी शंकर ओझा ये कहते हैं कि इनका जो मूल पुरुष था वो कौन था? कछवाहा था। और उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का जो नाम है वो क्या पड़ा? कछवा पड़ा। अब सबसे पहले हम बात करें तो कहते हैं कि दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दोसा के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में एक नए राज्य की स्थापना की और दोसा को अपनी राजधानी बनाया। तो कछवा राजवंश की जो स्थापना है ढूंढाड़ में, वो किसके द्वारा की जाती है साथियों? दूल्हे राय के द्वारा। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं, दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दोसा के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में नई राज्य की स्थापना की और दोसा को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर के दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हरा करके जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा हम बात करें दूल्हे राय की, तो दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ के अंदर ही जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आप यहां से नोट कर सकते हैं, जमुआई माता का जो मूल मंदिर है, इनका जो मूल मंदिर है, इस मूल मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? दूल्हे राय के द्वारा। कहां पे? जमुआ रामगढ़ के अंदर। और ये जो जमुआई माता है वो कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। आप यहां से नोट करते जाएं, जमुआई माता जो है वो कछवा राजवंश की कुल देवी है। जबकि हम बात करें कछवा राजवंश की आराध्य देवी की, तो कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है साथियों? शीला देवी। तो देखिए, सबसे पहले 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने दोसा के बड़ गुजरों को हराया और ढूंढाड़ में एक नए राज्य की स्थापना की और दोसा को अपनी राजधानी बनाया। और आगे चल करके दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हराया और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से कछवा राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी साथियों? दोसा थी। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोसा थी। अब थोड़ी सी चर्चा हम कछवा राजवंश की राजधानियों की करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? दोसा। उसके बाद दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कछवा राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? जमुआ रामगढ़ को। किसके द्वारा? दूल्हे राय के द्वारा। आगे चल करके 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? कोकिल देव में। और इसके बाद आगे चलकर के 1727 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना होती है और जयपुर को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? स्वाई जयसिंह। तो सबसे प्रारंभिक राजधानी दोसा, उसके बाद जमुआ रामगढ़, और फिर कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद चौथे नंबर की जो राजधानी है वो है साथियों जयपुर। और जयपुर कब राजधानी बनती है? 1727 ईस्वी में। आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, दूल्हे राय के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनता है? दूल्हे राय के बाद राजा कौन बनेगा? कोकिल देव। दूल्हे राय के बाद राजा बनता है कोकिल देव। कहते हैं कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद इसने यादवों से मेड़ और बैराट क्षेत्र भी जीत लिए। कोकिल देव के बाद की हम बात करें तो कोकिल देव के बाद राजा कौन बनता है? कोकिल देव के बाद राजा बनेगा हणु। कोकिल देव के बाद राजा कौन बनता है? हणु बनता है। और हणु के बाद राजा बनता है साथियों जानण। हणु के बाद राजा कौन बनता है? जानण राजा बनता है। और इस जानण के बाद राजा कौन बनता है? पंजुन राय। वेरी इंपॉर्टेंट, जानण के बाद राजा कौन बनता है? पंजुन राय। और इस पंजुन राय का एक नाम और मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? पंचवन देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पंचवन देव कछवाहा या फिर पंजुन राय कछवाहा। दोस्तों, आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसने दिल्ली अभियान चलाया था, उस दिल्ली अभियान में इस जानण ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी। और इस जानण के बाद, जानण कछवा के बाद इसका पुत्र पंजुन राय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मदद करता है, उसकी सहायता करता है। आपको याद होगा महोबा का युद्ध
और महोबा का युद्ध कब होता है साथियों, 1182 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में महोबा के शासक परमरदी देव को पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया था। इस युद्ध में पंजुन राय कछवाहा ने ही किसकी सहायता की थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी। और इस युद्ध में विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया, किसको, पंजुन राय कछवा को। अब आगे हम बात करें पंजुन राय कछवा के बाद शासक कौन बनेगा, तो पंजुन राय कछवा के बाद राजा कौन बनता है, चंद्रसेन। पंजुन राय कछवा के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनेगा, चंद्रसेन बनेगा। और इस चंद्रसेन के बाद आमेर का राजा बनता है साथियों पृथ्वीराज, कौन बनेगा, पृथ्वीराज। और इस पृथ्वीराज के शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल आप यहां से नोट कर सकते हैं 1503 से लेकर के 1527 ईस्वी तक आमेर पे शासन करता है कौन, पृथ्वीराज। दोस्तों ये वही पृथ्वीराज है जिसने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता की थी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे और पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर को बांट दिया था, बराबर बांट दिया था, इसी कारण से आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज के समय बीकानेर के एक शासक हुए हैं राव लूणकरण, और लूणकरण की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, बालाबाई। लूणकरण की पुत्री का नाम क्या था, बालाबाई। और इस बालाबाई का विवाह होता है किससे, पृथ्वीराज कछवा से होता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवा उस समय के जो कनफटे साधु हुआ करते थे कापालिक संप्रदाय के, उनमें से एक चतुर नाथ जी थे, उनको अपना गुरु बनाया किसने, पृथ्वीराज कछवाहा ने। लेकिन बालाबाई ने अपना गुरु किसे बनाया, कृष्णदास पेहारी को। वेरी इंपॉर्टेंट, बालाबाई ने अपना गुरु किसे बनाया साथियों, कृष्णदास पेहारी को अपना गुरु बनाया। कृष्णदास पेहारी को राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है साथियों, जयपुर, गलता जयपुर में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। इसके अलावा बात करें हम कृष्णदास पेहारी की रचनाओं की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो रचना है साथियों जुगलमैन चरित। कौन सी रचना है, जुगलमैन चरित। ये जुगलमैन चरित जो रचना है वो किसकी है साथियों, कृष्णदास पेहारी की। इसके बाद अगला राजा बनता है भारमल। पृथ्वीराज के बाद अगला जो शासक है, अगला जो राजा है वो कौन बनता है साथियों, भारमल। दोस्तों भारमल की हम बात करें तो अपने बड़े भाई सांगा के निधन के बाद, जिसने सांगानेर को बसाया था, अपने बड़े भाई सांगा के निधन के बाद सांगानेर का राजा कौन बनता है, भारमल। तो आप यहां से नोट करें पृथ्वीराज के बाद सांगानेर का जो राजा है वो कौन बनता है साथियों, भारमल। और कहते हैं कि इसने आस्करण से आमेर को छीन करके आमेर को अपने राज्य में मिलाया। तो सांगा के निधन के बाद इसका भाई भारमल सांगानेर का राजा बनता है और साथ ही आस्करण से आमेर को छीन करके आमेर को अपने राज्य में मिलाया। कहते हैं कि उस समय भारमल अपने आसपास के राज्यों से परेशान था। तो कहते हैं कि उस समय 1562 ईस्वी में, आप साथ साथ नोट करते जाएं, उस समय 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर दरगाह में दर्शन के लिए गया हुआ था। तो वो सांगानेर से होकर के जा रहा था, कहां से होकर के जा रहा था, सांगानेर से होकर जा रहा था। तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था चंगताई खां। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम था साथियों, चंगताई खां। इसका एक नाम और मिलता है, इसको क्या कहा जाता है, मजनू खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मजनू खां। ये मजनू खां जो है वो भारमल की मुलाकात करवाता है किससे, अकबर से। और कहां पे करवाता है, सांगानेर में। अकबर की मुलाकात सांगानेर में, भारमल की जो मुलाकात है अकबर से वो सांगानेर में कौन करवाता है, चंगताई खां या फिर मजनू खां के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन जब अजमेर दरगाह से दर्शन करके अकबर वापस लौट रहा था तो वो सांगानेर से नहीं आया था, जबकि कहां से आया था, सांबर से होकर गुजर रहा था। कहां से गुजरा था, सांबर से। तो भारमल ने क्या किया, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, इसके अलावा अपने पुत्र भगवान दास और अपने पोते मानसिंह के साथ कहां पे पहुंच जाता है, सांबर पहुंच जाता है। और सांबर में जाकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और सांबर के अंदर ही 20 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सांबर के अंदर ही 20 जनवरी 1562 ईस्वी को, 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री, और उसकी पुत्री का नाम था साथियों हरखाबाई। क्या नाम था, अपनी पुत्री हरखाबाई का जो विवाह है वो किससे कर देता है, अकबर से कर देता है। और इससे अकबर जो है वो खुश हो जाता है, और अकबर खुश होकर के भारमल को एक उपाधि प्रदान करता है। वो उपाधि कौन सी है साथियों, अमीर उल उमरा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी जाती है कौन सी उपाधि प्रदान करता है, अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्रदान की जाती है, भारमल को प्रदान की जाती है। किसके द्वारा,
अकबर के द्वारा। इसके अलावा एक उपाधि और प्रदान करता है, वो उपाधि है साथियों राजा की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियां एक अमीर उल उमरा, इसके अलावा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा किसको प्रदान की जाती है, भारमल को प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारमल को अकबर के द्वारा 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने हजार का मनसब प्रदान किया जाता है? 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। भारमल के आगे के शासकों की हम बात करें तो भारमल के बाद जो राजा है वो कौन बनता है? भगवंत दास। भारमल के निधन के बाद इसका पुत्र जिसका नाम है भगवंत दास, भारमल के बाद जो राजा है वो कौन बनेगा? भगवंत दास बनेगा। और भगवंत दास के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, इसका जो शासन काल है वो साथियों कितना है? 1573 से लेकर के 1589 ईस्वी तक शासन काल रहा किसका? भगवंत दास का। भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री और इसकी पुत्री का नाम था साथियों मानबाई। भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या था? मानबाई। और इस मानबाई का जो विवाह है वो अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया जाता है। किससे करता है? अकबर के पुत्र जहांगीर से विवाह करता है कौन? भगवंत दास। किसका? अपनी पुत्री मानबाई का। और कहते हैं कि इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम है साथियों खुसरो। उस पुत्र का नाम क्या है? खुसरो। इस खुसरो के विद्रोही व्यवहार के कारण मानबाई जो है वो क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अकबर के द्वारा भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है, इसके अलावा 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। तो याद रखे साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो अकबर के द्वारा भारमल को भी प्रदान की जाती है और इसके अलावा भगवंत दास को भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा नोट करें साथियों 5,000 का जो मनसब है वो अकबर के द्वारा भारमल को भी प्रदान किया जाता है और किसको प्रदान किया जाता है? भगवंत दास को भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें आप इसको नोट कर सकते हैं कि अकबर के द्वारा भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अकबर के द्वारा पंजाब का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? भगवंत दास को नियुक्त किया गया। और ये 1583 से लेकर के 1589 तक पंजाब का सूबेदार रहता है। कब से लेकर कब तक? आप यहां से नोट कर सकते हैं 1583 से लेकर के 1589 तक पंजाब का क्या रहा? सूबेदार रहा। और पंजाब का सूबेदार रहते हुए ही 1589 ईस्वी में भगवंत दास की क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और इसका निधन कहां पे होता है? लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं 1589 में पंजाब का सूबेदार रहते हुए ही 1589 में भगवंत दास का निधन होता है। कहां पे? लाहौर में इसका निधन हो जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।